नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारतीय समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यूपी के महोबा में पुलिस अधीक्षक आवास के सामने गैंगस्टर के वांछित अभियुक्त के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। पुलिस को देख वांछित ने पुलिस टीम पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। करीब 2 घंटे के बड़े पुलिस ऑपरेशन के बाद पुलिस ने वांछित अपराधी लालू को पकड़ने में कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, जिसका डॉक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया है। दरअसल ये पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली इलाके के पुलिस अधीक्षक आवास के सामने का है, जहां पर जिले के खन्ना थाना पुलिस शहर में रहने वाले वांछित आरोपी लालू की तलाश में दबिश देने आई थी। पुलिस टीम बिना तैयारी के आरोपी के घर उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस टीम को देखते ही लालू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिल सकी है। इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक आर के गौतम बताते हैं कि गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार करने पुलिस टीम गई थी, जिन्हें चकमा देकर अभियुक्त पहाड़ी पर चढ़ गया और पत्थर फेंक कर हमलावार हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच मोर्चा संभाल और वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली नगर से एक अभियुक्त लालू सनोर चुमन का, जो कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, ये 2019 से एक गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था। आज इसकी सूचना मिली किसी विशेष स्थान पर होने की। इस सूचना पर विवेचक SHO खन्ना और उनकी टीम इसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। पुलिस को देखकर कि ये एक पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ से ये पत्थर फेंकने लगा। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी कार्रवाई के दौरान जब ये पत्थर फेंक रहा था, तो एक कर्मचारी को पत्थर से कुछ मामूली चोटें आई हैं, जिसका मेडिकल करा दिया गया है और इस अभियुक्त का विरुद्ध जो है एक मुकदमा और पंजीकृत किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।